नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाजार। आज की वीडियो में हम यहाँ रिव्यू करेंगे आरआरसी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर का। दोस्तों फर्स्ट पैनल का हम रिव्यू करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि फर्स्ट प्रोविजनल पार्ट पैनल वन आ चुका है, जहाँ पे आरआरसी भुवनेश्वर ने बता दिया कि कितने बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, तो जिसके रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे मैंने एक एक्सेल शीट तैयार किया है, जो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ डेटा को एनालाइज किया है। और अब मैं आप लोग को यहाँ पे दोस्तों बताऊंगा कि कितने बच्चों का अब सेकेंड डीवी में नाम आने वाला है, कट ऑफ कितना घटेगा, सारा कुछ को मैं दोस्तों यहां पे बताने वाला हूं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक दोस्तों आप बने रहिएगा। तो सबसे पहले हम दोस्तों देख लेते हैं इस पार्ट पैनल वन को। पार्ट पैनल वन में दोस्तों यहां पे जो नॉर्मल कैंडिडेट है, साथ में सीसीए हॉरिजेंटल रिजर्वेशन वाले जो भी बच्चे हैं उन सभी का यहाँ पे पार्ट पैनल वन आ चुका है। और मतलब पूरा कंप्लीट पार्ट पैनल वन आ चुका है। ठीक है, जहाँ पे इन्होंने बता दिया है कि 2555 बच्चों में से 2221 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों देखिएगा यूआर का जिसमें से 882 बच्चे, एससी का देखिएगा 307 बच्चे, एसटी का देखिएगा 116 बच्चे, ओबीसी का देखिएगा 433 बच्चे, ईडब्ल्यूएस का देखिएगा 216 बच्चे। और हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के बारे में बात करें तो एक्स सर्विसमैन का 15, सीसीए का 218 और पीडब्ल्यूडी हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में नहीं आता है, मतलब ये इनका तो अलग से ही सीट होता है, तो यहाँ पे 34 होता है, बट इनको भी रिजर्वेशन दिया जाता है। ठीक है, नॉर्मल कैंडिडेट के सीट में से। अब दोस्तों आप देखिएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ अगर टॉपर्स होंगे पीडब्ल्यूडी में तो वो यूआर में चले जाएंगे, बट इनका रिजर्वेशन अलग होता है। ठीक है ना, अब दोस्तों यहाँ देखिएगा टोटल आप दोस्तों देखेंगे कि जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में जो सीट गया है वो 231 सीट गया हुआ है, 216 प्लस में 15 231 सीट। और यहाँ पे टोटल कितना सीट था, यहाँ पे देखिए यहाँ पे टोटल कितना सीट था हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का, 510 सीट था, और 510 एक्स सर्विसमैन का, 510 यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से 231 ही गया, मतलब लगभग 300-350 सीट अब नॉर्मल कैंडिडेट को यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, क्योंकि इनका पैनल मुझे लगता है कि लगभग क्लियर हो गया होगा, क्योंकि जो भी वेटिंग वाले कैंडिडेट होंगे उनको रीमेडिकल का भी ऑप्शन दे दिया गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि ये तो हो गया। एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेन एक्सेल के सीट पे आने से पहले, कि यहाँ पे मैंने सारा कुछ कैसे तैयार किया है उसका पहले बेस को आप समझ लीजिए। अब जैसे कि यहाँ पे दोस्तों देखिएगा ये पीडब्ल्यूडी का लिस्ट है, बट इसमें ये एससी कैटेगरी का बच्चा है और ये 74.91 नंबर लेके आया है, तो ये बहुत ज्यादा चांस है कि ये यूआर का सीट ले गया होगा, क्योंकि यूआर का जो कटअप है 70 नंबर है और इसका 74 नंबर आया है, मतलब ये यूआर के कटअप से ज्यादा है, मतलब यूआर का जो नॉर्मल वैकेंसी है वहां पे इसको एक वैकेंसी मिल गया होगा, मतलब एक सीट मिल गया होगा, तो ये जो सीट गया यूआर का गया। ये यूआर का पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, तो ये भी कहां से जाएगा, यूआर से ही जाएगा, मतलब पीडब्ल्यूडी का सीट ये क्या करेगा, खाली कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं जो टॉपर्स है वो पीडब्ल्यूडी में भी आपको देखने को मिलेंगे, सीसीए में सबसे ज्यादा आपको ओबीसी कैटेगरी के बच्चे जो ऐसे होंगे जो टॉपर्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ओबीसी का देखिए 73 है, मतलब ये नॉर्मल कैंडिडेट का सीट ले गया है, यूआर से ये सीट ले गया ये बच्चा, मतलब ये रिजर्वेशन से नहीं ले गया, ये टॉपर्स में शामिल है ये बच्चा। ठीक है ना, तो इस तरह से क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका यूआर से सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका ओबीसी से सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये कटअप को देखिएगा, ये नॉर्मल कैंडिडेट का कटअप है ऊपर में, और ये क्या है एक्स सर्विसमैन और सीसीए का कटअप है। तो जो बच्चा 40.18 से ऊपर होगा वो यूआर का सीट ले लेगा 20% रिजर्वेशन में, जो बच्चा 30.092 से ऊपर होगा वो ओबीसी का सीट लेगा 20% रिजर्वेशन में। बट जो बच्चा मान लीजिए कि ओबीसी से भी है और यहाँ पे देखिएगा 40 से ऊपर है, तो वो भी किसका सीट लेके जाएगा, मतलब ओबीसी का कैंडिडेट है और 42 नंबर से ऊपर लेके आया है और 40 से ऊपर लेके आया है, तो वो यूआर का सीट लेके जाएगा, वो ओबीसी में नहीं आएगा। मतलब इस तरह से क्या होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे ओबीसी का जो सीसीए वाले कैंडिडेट कॉमन होंगे, पीडब्ल्यूडी होंगे, एक्स सर्विसमैन होंगे, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होता है पहले नंबर पे तो यूआर को नुकसान होता है, उसके बाद ओबीसी को नुकसान होता है। अब ओबीसी को ज्यादा नुकसान होता हुआ क्यों दिखा मुंबई वाले केस में, कि मुंबई में 2500 सीट था, केवल 1200 ओबीसी कैंडिडेट को लिया गया, तो उसका सबसे बड़ा कारण था कि ओबीसी का जो बच्चा है ओबीसी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। आपने देखा होगा कि 1 करोड़ 15 लाख जब फॉर्म आया तो उसमें से 55-60 लाख या 53 लाख बच्चे ओबीसी के थे,
तो ओबीसी के जो बच्चे होते हैं हर जगह टॉपर्स में शामिल होते हैं। सीसीए वाले के में भी सबसे ज्यादा ओबीसी के ही बच्चे शामिल हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे पीडब्ल्यूडी में ही तो सबसे कम जो है यूआर ओबीसी का देखिए 53 नंबर है, और पीडब्ल्यूडी का जो कट ऑफ है दोस्तों आप दोस्तों देख सकते हैं 53 ही नंबर है। और यहाँ पे अगर हम सीसीए वाले के बारे में बात करें तो सीसीए में बहुत नीचे जब जाएंगे तो ये 50 नंबर है, तो ये 50 नंबर यूआर का सीट ले गया होगा, ठीक है, बट ओबीसी का कैंडिडेट है, ठीक है, तो यूआर का भी सीट ले गया ये। उसके बाद अगर हम नीचे और जाते हैं तो 30 नंबर वाले बहुत बाद में जाके आपको मिलेंगे जो ओबीसी के कैंडिडेट है। यहाँ देखिए 147वें नंबर पे आपको मिल रहे हैं 30 नंबर वाले, और केवल 218 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जबकि बहुत लास्ट में जाके ओबीसी के प्रॉपर कैंडिडेट मिलते हैं। मतलब यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूजन शामिल है, तो इसलिए ओबीसी का जो सीट है वो ज्यादा बच्चे सीसीए वाले ले जाते हैं, यही कारण है, ठीक है। चलिए अब हम डेटा की तरफ वापस लौटते हैं, और यहाँ पे मैंने इसी चीज को आपको समझाया हुआ है, ठीक है। तो ये जो मैंने डेटा तैयार किया आरआरसी ईस्ट भुवनेश्वर ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब कट ऑफ कितना जाएगा सेकेंड डीबी में, और ये तो क्लियर है कि सेकेंड डीबी आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि जो पैनल आया है उसमें 882 बच्चे यूआर का सिलेक्शन हुआ है, बट ये 48 एक्स्ट्रा बच्चे हैं जो कि सीसीए के भी है, जो यूआर सीसीए में भी यूआर के बच्चे होते हैं, पीडब्ल्यूडी में भी यूआर के बच्चे होते हैं, एक्स सर्विसमैन में भी यूआर के बच्चे होते हैं, तो जो एक्स्ट्रा बच्चे हैं उनको मैंने शामिल किया, तो टोटल 48 कैंडिडेट हैं जो कि बाकी जगह से सीट ले जा चुके हैं, ठीक है। और 882 तो यूआर का सीट मतलब नॉर्मल कैंडिडेट मिले, प्लस में 48 बच्चे अलग अलग जगह से मैंने उठाया, टोटल 930 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, यूआर वाले बच्चे जो है 930 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। और ये 930 सीट कहाँ से गया है, यूआर के सीट में से गया है, और चार सीट ऐसे हैं जो कि दो कैंडिडेट ओबीसी के टॉपर से सीसीए वाले में, दो कैंडिडेट एससी के टॉपर से पीडब्ल्यूडी और सीसीए मिला के, मतलब चार कैंडिडेट एससी और ओबीसी से टॉपर से वो कहाँ से सीट ले जाएंगे, यूआर से सीट ले जाएंगे। तो सबसे ज्यादा नुकसान होता हुआ दिख रहा है यूआर को, तो इस कारण अब यूआर की सीट कितने, यूआर के जो सेलेक्टेड कैंडिडेट है उनका लिखा जोखा है 934। अब 934 कितने कैंडिडेट से, 1034 यहाँ वैकेंसी है। अगर यहाँ पे वैकेंसी टेबल देखेंगे तो यहाँ पे 1034 यहाँ पे वैकेंसी आपको देखने को मिलेगा, तो 1034 सीट है जिसमें से 934 सीट है को फिल कर लिया गया है। अब टोटल एग्जैक्टली 100 सीट बचा हुआ है यूआर के लिए, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। उसी तरह से 433 ओबीसी के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, बट 115 बच्चे वो बच्चे हैं जो कि सीसीए में पीडब्ल्यूडी में एक्स सर्विसमैन में शामिल है। इस तरह से 548 ओबीसी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से दो बच्चे यूआर में चले गए, तो 546 बच्चे बचे। एससी कैटेगरी का अब इसी तरह से 357 बच्चा बचा, 307 बच्चे प्लस में 52 बच्चे इधर उधर से सिलेक्शन लिए हैं, तो 357 बच्चे और दो बच्चे टॉपर्स हैं, तो 359 में से दो को घटा दिए तो 357। एसटी कैटेगरी में एक भी बच्चा इधर उधर नहीं गया है, तो यहाँ पे मतलब टॉपर्स नहीं है, तो 116 प्लस में 54, ठीक है, ये यूआर में टॉपर्स होंगे। सीसीए में एक भी बच्चा नहीं गया होगा, तो ये कितना हो गया, 170 बच्चे एसटी कैटेगरी से सिलेक्शन पा चुके हैं पैनल में। और ईडब्ल्यूएस के देखेंगे, ईडब्ल्यूएस के 218 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है मतलब पैनल में, ठीक है, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे दोस्तों मैंने समझाया ये शिफ्टिंग वाला केस है, मतलब यूआर में तो यूआर के बच्चे जितने हैं सारे का सिलेक्शन हो गया है, तो 312 बच्चे ऐसे हैं जो यूआर से सिलेक्शन पाए हैं, 468 बच्चों का कैटेगरी शिफ्टिंग करके यूआर में भेजा गया है ओबीसी कैटेगरी के, और एससी कैटेगरी के 51 बच्चों का कैटेगरी शिफ्टिंग हुआ है यूआर में, एसटी कैटेगरी के 2 बच्चों का कैटेगरी शिफ्टिंग हुआ है यूआर में, ईडब्ल्यूएस के 114 कैटेगरी बच्चों का कैटेगरी शिफ्टिंग हुआ है यूआर में, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों देखिएगा, 424 बच्चे हैं यहाँ पे पीटी क्वालिफाइड यूआर कैटेगरी के, जिसमें से 312 बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन हुआ है, तो बच गए कितने, 112 बच्चे बचे। उसी तरह ओबीसी में 1540 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से आप दोस्तों देखेंगे कि 1023 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है टोटल, ये टोटल सिलेक्शन हुआ है, और 653 सीट था, ये सीट मैंने लिखा 1034 653, ये सीट है कितना वैकेंसी है यहाँ पे, तो 1023 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 517 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं। एससी कैटेगरी के 417 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, जिसमें से 261 बच्चे अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है, जिनका अभी सिलेक्शन होना बाकी है, ठीक है, 412 सीट में से 417, तो 5 सीट बच्चे ऐसे दिख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में चले गए, कुछ बच्चे यूआर में चले गए, इसलिए ज्यादा बच्चों का सिलेक्शन होता है कैटेगरी वाइज। एसटी कैटेगरी का 174 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ बच्चे कितने, 64 बच्चे बचे हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे कि
यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखेंगे रिमेनिंग बच्चे हो गए, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि पीटी में 238 बच्चे एसटी कैटेगरी के थे, 174 बच्चों का सलेक्शन हुआ है, 64 बच्चे बच गए। ईडब्ल्यूएस में 471 बच्चों का सलेक्शन है, यानी पीटी में सलेक्शन हुआ था, जिसमें से 336 बच्चों का डीबी में नाम आ गया, मतलब मेरिट बन गया, फाइनल हो गया, और 135 बच्चे अभी भी पेंडिंग में बचे हुए हैं। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ देखिएगा कि यहाँ मैंने 100 सीट कैसे लिखा, ये मैंने बताया कि यूआर के टोटल 934 बच्चों का सलेक्शन हुआ है, जिसमें से 1034 सीट थे, 934 बच्चों का सलेक्शन हो गया, तो बच गए कितने, 100 बच्चे। इसी तरह मैंने यहाँ ओबीसी का तैयार किया कि ओबीसी में 107 सीट है। इसी तरह एससी कैटेगरी का मैंने तैयार किया 55 सीट है, एसटी कैटेगरी का 28 सीट है, और ईडब्ल्यूएस का 40 सीट। टोटल आप दोस्तों देखेंगे तो 330 सीट आपको मिलता है, यहाँ दिखेगा। ठीक है, अब 2200 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 330 को ऐड कर दीजिएगा तो लगभग आपका वही आ जाएगा, 2500 के आसपास आ जाएगा, 2555 के आसपास आ जाएगा। और यहाँ 334 आपको दिख रहा है, तो इसको भी मैं समझाता हूँ कि 334 मैंने कैसे लिखा है। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पीटी क्वालिफाइड टोटल कितने बच्चे हैं, 3351, जिसमें से 2262 बच्चे। अब ये 2262 आपको कैसे दिख रहा है, इसको मैं समझाता हूँ। तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैं सबसे ऊपर चलता हूँ, यहाँ पे मैंने इस कोड को, यहाँ पे जो शुरुआत की कोड है उसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल एफ दबाया, कंट्रोल भी दबा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों ये ईडब्ल्यूएस वाले हैं, टोटल बच्चों का सिलेक्शन कितना हुआ है, 2262 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, यहाँ पे आपको रोल नंबर दिख रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे 2221 बच्चों का सिलेक्शन लिस्ट लिखा हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ नंबर को रिपीट किया गया होगा या कुछ अलग ही सिस्टम होगा, पर एग्जैक्टली आप दोस्तों देखेंगे तो 2262 बच्चों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कितना लिखा है, 2221, तो आप देख लीजिएगा क्या किया है इन्होंने। तो मैंने 2262 निकाला, बट यहाँ पे 2221 होना चाहिए था, यहाँ पे 2555 सीट है। अगर हम रिमेनिंग देखें तो मैंने 2262 में से 2555 को घटाया, तो 293 सीट अभी बचे हुए हैं। ठीक है, जिसमें से अगर हम देखें सेकेंड टीवी में कितने बच्चे हैं, 334 बच्चे, अगर हम वहां से घटाएं, मतलब 334 मैंने लिखा हुआ है, कुछ सोच के लिखा होगा 334 से। ठीक है, 334 से अभी बच्चे बचे हुए हैं रिमेनिंग। ठीक है, सेकेंड डीवी के लिए सीट जो होगा वो 334 सीट होगा पीडीएफ के अनुसार, बट मेरे अनुसार कितना आया, मेरे अनुसार आया 293 सीट आया। ठीक है, और बच्चे कितने हैं, यहाँ 330 बच्चे हैं। अगर 334 सीट होगा तो यहाँ पे कुछ सीट घटेगा, किसका, पीडब्ल्यूडी का घटेगा, क्योंकि पीडब्ल्यूडी में क्या हुआ है कि 105 बच्चे हैं, इनका वैकेंसी को घटाना होगा, तो इनके वैकेंसी को घटा देंगे यहाँ से, तो लगभग 250 के आसपास आपको जो सीट होगा वो खाली दिखता मिलता हुआ दिखेगा। ठीक है, 250 से मतलब नहीं है, यहाँ पे जो मैंने कैटेगरी वाइज निकाला है वही आपका फाइनल है। ठीक है, इतने बच्चे सेकेंड डीबी में आ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें से मान लीजिए कि 20 यहाँ से घटा दीजिए, तो यहाँ पे लगभग सारे कुछ क्लियर करने के बाद 250 बच्चे का ही सेकेंड डीबी में निकलेगा, 220 से 230 बच्चों का ही सेकेंड डीबी में नाम आने वाला है। ठीक है, उसके बाद हो सकता है जो बाद का सिनारी होगा उसको बाद में देखा जाएगा, जो 70 सीट है, 71 सीट अभी पीडब्ल्यूडी का खाली है, उसको यहां से घटाइए, मतलब 260 होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं 260 सीट है ज्यादा से ज्यादा सेकेंड डीबी के लिए निकलने वाला है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था यहाँ पे। ठीक है, और भी मैंने शॉर्ट आउट किया तो लगभग 222 सीट है, मतलब ये सीट आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, 222 सीट है जो कि नॉर्मल कैंडिडेट को अब मिल सकते हैं। तो हो सकता है या तो 260 सीट पे सेकेंड डीवी निकले, या फिर सब कुछ माइनस करने के बाद 222 सीट पे सेकेंड डीवी निकले। ठीक है, तो ये हो सकता है। ठीक है, मैंने काफी कुछ एनालाइज किया है, बहुत ज्यादा दिमाग लगाया है यहाँ पे। अब दोस्तों आप देखिएगा कि अब कट ऑफ कैसे घटेगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए यूआर के कितने बच्चे बच गए, अभी 112 बच्चे बचे हुए हैं, और यहाँ सीट कितना है, 100 सीट है, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 सीट पे डीवी निकले, हो सकता है 80 सीट पे ही निकाले डीवी, 20 सीट ऐसे हो जो कि पेंडिंग कैंडिडेट के हो, तो यहाँ पे हो सकता है मान के चलते 70, मतलब 112 में से केवल 70 बच्चों का डीवी में, सेकेंड डीवी में सिलेक्शन होगा। अब यहाँ देखेंगे कट ऑफ जो 70.31 है जनरल का, वही ओबीसी का कितना कट ऑफ है, 64.83, तो ओबीसी और जनरल के बीच में कितना गैप हो गया, ओबीसी और जनरल के बीच में यहाँ पे दोस्तों देखने को मिलेगा आपको गैप है, यहाँ पे मैं पेन ले लेता हूँ ताकि समझाऊं अच्छे से, ओबीसी और जनरल के बीच में जो गैप आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे
5 पॉइंट में 4-8 का गैप देखने को मिलेगा ओबीसी और जनरल के बीच में। और यहाँ पे अगर हम देखें तो इस गैप में कितने बच्चे अभी लाई कर रहे हैं, 112 बच्चे लाई कर रहे हैं, ठीक है। और कितने बच्चों को जॉब दिया जाएगा, मान लीजिए 75 बच्चों को अभी सेकंड डीवी में, यूआर वाले 75 बच्चे यहाँ सेकंड डीवी में आ जाते हैं। तो ये जो कट ऑफ है दोस्तों 5.48 है, ये कट ऑफ जो है जो नॉर्मल कट ऑफ है, इससे मुझे लगता है कि 4 नंबर भी घट सकता है, या 3 नंबर से 4 नंबर अगर आपका जनरल कैटेगरी में कम है तो आपका चांसेस बनता है, ठीक है। 3 नंबर वाले का तो पक्का 100% चांस बनेगा, इनका 100% चांस बनेगा। 4 नंबर वाले का भी मुझे लगता है कि 99% चांस बनेगा। तो मेरा अगर रेंज पूछे तो 3 नंबर कम है तो आप सियोर मान के चलिए कि आपका सेकंड डीवी में आने वाला है, और 4 नंबर कम है तो भी आपका चांसेस बनता है, क्योंकि ये हमें नहीं पता है कि 112 कैंडिडेट में कि कितने ऐसे कैंडिडेट हैं कि उनका गैप कितना कितना है, ठीक है। हो सकता है सेम नंबर वाले ज्यादा कैंडिडेट सटे हुए बच्चे मिल जाए, क्योंकि ये जो कट ऑफ गया था ये शुरुआत में कितना गया था, लगभग मुझे याद है जहां तक है कि 66 के आसपास गया था, 65 की या 66 के आसपास गया था, ठीक है, ये कट ऑफ है। तो कुछ बच्चे जो यूआर वाले होंगे वो इस कट ऑफ से नीचे भी होंगे, मतलब 70 से नीचे भी, ये क्या बोलते हैं, मतलब ये यहाँ पे पहले का कटअप मुझे देखना होगा, और जहां तक मुझे याद है ना कि कितना कटअप गया था, शायद 64 नंबर गया था, ऐसे ही कुछ गया था कटअप, ठीक है, 64 नंबर गया था मुझे याद है, जहां तक 64 नंबर गया था। तो कुछ बच्चे होंगे यूआर के जो 65 नंबर तक होंगे, 64 से 65 के बीच में होंगे, तो उनका कम चांस बनेगा मुझे जहां तक लगता है कि यहां से 3 नंबर घटेगा, और जिनका भी 67 प्लस नंबर होगा उनका चांसेस बन जाएगा 100% यूआर कैटेगरी से, ठीक है। आप देखिएगा 67 प्लस अगर आपका नंबर बनता है तो आपका चांसेस 100% बनेगा, मतलब यूआर कैटेगरी में मेरे हिसाब से 3 से 4 नंबर घटने वाला है। तो ये मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको अभी भी कोई डाउट होगा, क्योंकि डेटा बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, ठीक है, और ये मैंने डेटा बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, एक एक चीज को यहाँ लिया है मैंने, ठीक है। अब दोस्तों आप देखिएगा जो बच्चे यूआर ओबीसी के बीच में है उनका ज्यादा चांस बनेगा, इसलिए सबसे ज्यादा जो कटअप घटेगा यूआर का घटेगा, सबसे ज्यादा कटअप किसका घटेगा, यूआर का, कितना नंबर, 3 से 4 नंबर वाले जिनका कम है उनका भी हो जाएगा मिनिमम 3। ओबीसी का मुझे जहां तक लगता है कि ओबीसी में देख सकते हैं 517 कैंडिडेट है, और यहाँ वैकेंट सीट कितना है, 107 सीट है। मान लीजिए कि 85 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ओबीसी वाले 85 कैंडिडेट को कॉल किया जाता है। एक चीज और मैं समझाना चाहूंगा कि जो यूआर का सीट होगा वो यूआर के बच्चे लेंगे, क्योंकि यूआर के बच्चे कम है इसलिए इनका कटअप ज्यादा घटेगा। ओबीसी का जो सीट होगा अब ओबीसी के बच्चे लेंगे, यहाँ पे कैटेगरी शिफ्टिंग तभी होगा जब यूआर के बच्चे खत्म हो जाएंगे, यूआर के बच्चे खत्म हो जाएंगे तब ओबीसी वाले बच्चों को यूआर का सीट दिया जाएगा, ओबीसी के बच्चे खत्म हो जाएंगे तब एससी वाले बच्चों को यूआर का सीट दिया जाएगा, एसटी वाले बच्चों को ऐसे करके दिया जाता है, जिनका भी कटअप यूआर के कटअप से ज्यादा होगा। तो अब तो जितने भी बच्चों का यूआर के कटअप से ज्यादा था उन सभी का सिलेक्शन हो चुका है। अब जो भी अगर मान लीजिए ईडब्ल्यूएस में सीट खाली होगा तो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट केवल ईडब्ल्यूएस की सीट ले सकते हैं, क्योंकि जो टॉपर्स थे वो पहले ही यूआर की सीट ले जा चुके हैं, ठीक है। अब अगर सीट खाली होगा यूआर का तो केवल जो 112 कैंडिडेट यूआर के बचे हुए हैं उन्हीं को सीट दिया जाएगा, पहले इनको खत्म किया जाएगा, बाकी बाद में कैटेगरी शिफ्टिंग होगा। तो अब यहां पे कैटेगरी शिफ्टिंग होते हुए आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। तो काफी कुछ आपको समझना है सेकंड डीवी के कटअप से पहले, ठीक है। तो सेकंड डीवी का मैंने बता दिया कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहां बताया कि यूआर के फिर से मैं बता दूं, यूआर के अगर 75 बच्चों को कॉल किया जाता है, 75 से 80 बच्चों को कॉल किया जाता है तो कट ऑफ आपका 3 से 4 नंबर घटेगा, 3 से 4 नंबर, मिनिमम 3 नंबर मैक्सिमम 4 नंबर, ठीक है। ओबीसी का जो कट ऑफ होगा वो अगर मान लीजिए कि 107 बच्चे हैं केवल 85 बच्चों को कॉल किया जाता है, तो यहाँ देखिए कितना ज्यादा कंपटीशन है, 517, मतलब लगभग 5-6 गुना ज्यादा बच्चे हैं, तो यहाँ पे जो कट ऑफ आपका घटेगा 0.5 भी घट जाता है तो बहुत ज्यादा घटेगा, ठीक है। मैक्सिमम 0.5 नंबर अगर आपका कम है कट ऑफ से तो आपका सिलेक्शन बनेगा, और ये मैंने आपको सटीक जानकारी दी है। अब डीवी जब आएगा तो आप इससे मिला के देख लीजिएगा, ठीक है। यूआर का कहीं भी सबसे ज्यादा कट ऑफ घटने वाला है, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज्यादा बच्चे नहीं है। एक चीज मैं लास्ट में बता दूंगा, वही देखिए एससी कैटेगरी में कितना अभी रिमेनिंग कैंडिडेट है, 261, और सीट कितना खाली है, 55 सीट खाली है। मान लीजिए 55 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, 55 तो नहीं बुलाया जाएगा, मान लीजिए 40 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, ठीक है, 40 कैंडिडेट को बुलाया जाता है, तो यहाँ 6 गुना हो गया, लगभग 7 गुना।
तो यहाँ पे जो कट ऑफ घटेगा 0.3 के आसपास अगर आपका कम है तो आपको बुलाया जाएगा। वही एसटी कैटेगरी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए 174 बच्चों का सिलेक्शन हो गया है, 198 यहाँ सीट है और रिमेनिंग 64 बच्चे हैं। यहाँ पे 28 सीट अभी किसी तरह से मिला जुला के बाकी है, यहाँ पे 24-28 सीट, यहाँ 24 होना चाहिए था, ठीक है 24 सीट अभी बाकी है। तो यहाँ पे जो कट ऑफ घटेगा वही आपका मान के चलिए कि 0.5 के आसपास घट जाए तो काफी है, मैक्सिमम मैं बता रहा हूँ 0.5 नंबर कम है तो आपका उम्मीद बनेगा। वही ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें तो ईडब्ल्यूएस का जो पहले का कट ऑफ गया था, मतलब यहाँ फ्लक्चुएशन आपको ज्यादा देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ 336 और जो सीट अभी खाली सीट था 258 और कुछ बच्चे यूआर में भी चले गए हैं कैटेगरी शिफ्टिंग होने के बाद, मतलब 114 बच्चे यूआर में चले गए हैं, तो 114 घटा दीजिएगा तो 216 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है इस कैटेगरी से, ठीक है। ओबीसी के 433 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है तो ये भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पे 40 बच्चे ऐसे बचते हैं, अभी 40 सीट ऐसे हैं जो कि यहाँ सेकंड डीबी में खाली है ईडब्ल्यूएस के, तो यहाँ पे भी नंबर आपका हो सकता है कि एक नंबर मैक्सिमम, मैं बता रहा हूँ कि एक नंबर से ज्यादा नहीं घटेगा। काफी यूट्यूब चैनल आपको ऐसे बताएंगे कि सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस में से घटेगा, बट अब नहीं घटेगा क्योंकि जो भी टॉपर्स थे वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस एससी एसटी के सब यूआर से सीट ले चुके हैं, तो अब वो अपने कैटेगरी से केवल सीट ले जा सकते हैं। किसी जोन का आरटीआई भी ऐसा ही आया था और ये होता भी है नॉर्मली, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक चीज और मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक चीज और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे अब क्या होने वाला है। सेकंड डीबी तो आएगा ही आएगा, ठीक है, जिसमें सबसे ज्यादा जो बच्चे होंगे यूआर के होंगे, क्योंकि आपको ऐसे भी पता है जो टॉपर्स होते हैं यूआर के होते हैं और टॉपर्स का ही कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज और समझिएगा, यहाँ पे जो मार्क्स आप देख रहे हैं यूआर और ओबीसी के गैप को, यहाँ पे देखिए यूआर ओबीसी का गैप कितना है, 5.48 नंबर, ठीक है, इस गैप में। और इस गैप में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, इस गैप में देखिएगा जो वैकेंसी था वो कितना था, ओबीसी का वैकेंसी यहाँ पे देखिए 412 था, तो इस गैप में 412 बच्चों का सिलेक्शन हुआ, देख सकते हैं इस गैप में, मतलब 5.48 जो गैप दिख रहा है इसमें 412 बच्चे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे गैप ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, हो सकता है कि आने वाले समय में जितने भी यूआर हैं 112 के 112 यूआर का सिलेक्शन हो जाए, बहुत ही ज्यादा चांस है यहाँ पे कि सभी को मौका मिल जाए सेकेंड डीबी में जाने का, बट वो यूआर कैटेगरी के बच्चे होंगे। बाद में हो सकता है कैटेगरी शिफ्टिंग हो, यूआर में और भी सीट खाली हो जाए, बट वो बाद का बात है, बट अभी मुझे लगता है कि 75-80 कैंडिडेट जो होंगे यूआर के बुलाए जाएंगे, मिनिमम इतने कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, टोटल 100 कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि 20 कैंडिडेट मान के मैं चलता हूं कि कहीं ना कहीं पेंडिंग होंगे या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो ये चीज आप दोस्तों देख सकते हैं 75-80 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा यहाँ पे, तो सबसे ज्यादा जो फायदा होता हुआ दिख रहा है मुझे यूआर को ही अब सबसे ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने बहुत ही प्यार से तैयार किया है, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही मेहनत से तैयार किया है, ठीक है। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का 105 सीट है, एक बार मैं फिर इस डेटा को समझा दूं कि ये मैंने लिखा है कैटेगरी शिफ्टिंग, कौन से कैटेगरी में यूआर के कितने बच्चे शिफ्ट हो गए, ये लिखा है मैंने कैटेगरी, ये मैंने लिखा है पीटी क्वालिफाइड बच्चे, ये मैंने लिखा है सेलेक्टेड बच्चे, ये कौन से बच्चे हो गए, सेलेक्टेड बच्चे हो गए यहाँ पे, ठीक है। और ये हो गया वैकेंसी, यहाँ पे वैकेंसी लिख लिया मैंने, यहाँ पे रिमेनिंग जो बचे हुए कैंडिडेट है, यहाँ पे सेकेंड डीबी के लिए कितने बच्चे कॉल किए जाएंगे, दिया होता तो 100 बच्चे कॉल किए जा सकते हैं बट उससे कम कॉल किए जाएंगे। उसके बाद ये कट ऑफ मैंने लिखा है, किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ गया हुआ है और कितना कम जाएगा इस कट ऑफ से, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। उसके बाद ये मार्क्स रेंज लिखा गया है, लिखा है मैंने यहाँ पे, समझाया आपको ओबीसी और यूआर के बीच में कितने बच्चे हैं, तो 112 बच्चे हैं जो कि पीईटी क्वालिफाइड होने के बाद वेटिंग में है, तो इसलिए सबसे ज्यादा फायदा यूआर को मिलने वाला है क्योंकि यहाँ पे यूआर का वैकेंसी ज्यादा खाली है और बच्चे कम है, और कैंडिडेट वेटिंग में कितने हैं, 112 है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यूआर को ज्यादा फायदा होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ही बिलासपुर में सबसे ज्यादा यूआर को फायदा होगा, बिलासपुर में बहुत ज्यादा नंबर घटेगा यूआर का। उसके बाद मुझे लगता है कि इस जोन से, मतलब भुवनेश्वर से आपको सबसे ज्यादा फायदा हुआ दिख रहा है, मतलब 4 नंबर तक भी यूआर के नंबर यहाँ घट सकते हैं, ओबीसी में कुछ कम आपको देखने को मिलेगा। जहां जहां भी आपको बता रहे हैं कि बाकी कैटेगरी में कि 2-3 नंबर वाले का हो जाएगा तो वहां पे थोड़ा कम चांस है,
क्योंकि आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ज्यादा कंपटीशन आपको होता हुआ दिख रहा है, और ओबीसी के जो बच्चे होंगे या एससी के बच्चे होंगे या एसटी के बच्चे होंगे या ईडब्ल्यूएस के बच्चे होंगे अब केवल अपने कैटेगरी से ही सीट को ले सकते हैं। मतलब उनके कैटेगरी में अगर सीट खाली होता है तो ही आपको मौका मिलेगा, अदरवाइज आपको मौका नहीं मिलेगा जब तक यूआर का सीट फिल नहीं होता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो कट ऑफ घटेगा वो यूआर का घटेगा, और यूआर को बहुत फायदा होता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है ना। तो ये दोस्तों देख सकते हैं, ये मैंने समझा दिया कि ये यूआर के टोटल मतलब सब कैटेगरी को सब कुछ मिला के टोटल 934 बच्चों का यूआर में सिलेक्शन हुआ है, और यहाँ पे मैंने बताया था कि ये ओबीसी का है, ओबीसी में टोटल 546 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। उसके बाद एससी में देखेंगे तो 357 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, एसटी में देखेंगे तो 170 बच्चों का टोटल सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस में देखेंगे तो 218 बच्चों का टोटल सिलेक्शन हुआ है। तो ऊपर जो मैंने यहाँ तैयार किया है ये जो पैनल आने के बाद, पैनल पार्ट वन आने के बाद का ये डेटा है, और ये ओवरऑल डेटा मैंने नीचे तैयार किया है, ठीक है। तो ये बहुत ही मेहनत से मैंने डेटा तैयार किया है दोस्तों। तो आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिएगा। आशा करता हूँ कि आज का दिन आप लोग का काफी अच्छा रहे, अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू।